कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल CUET पॉइंट पे। प्यारे दोस्तों, CUET 2024 का ये एडमिशन सेशन चल रहा है और इसमें आज हम लोग बात करेंगे DU के टॉप BA कॉलेज यानी बैचलर इन आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हो। इसकी लिस्ट तो शायद आपने देखी होगी, लेकिन टॉप कॉलेजेस DU के कौन कौन से हैं जिसमें आप इनरोल्ड होना चाहोगे, हर बच्चे का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। वैसे कॉलेजों की पूरी लिस्ट देने वाला हूं मैं, मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये लिस्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस वीडियो को मिस नहीं करना है। आपको सारे अपडेट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे अपने इस इंफॉर्मेशन सीरीज में। देखो, ये है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। इसका महत्व तो समझो, इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 14-15 पेज के बाद आपको लिस्ट मिलना शुरू हो जाएगा अलग अलग कॉलेज उनकी एलिजिबिलिटी की। तो पहला तो आपको देख लेना है कि कौन से कॉलेज में क्या ऑनर्स है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटे बच्चे की तरह आप लोग हो, आपको ये समझाना जरूरी है कि किसी भी कॉलेज में सारा ऑनर्स नहीं होगा। किसी में इंग्लिश ऑनर्स होगा, किसी में संस्कृत, किसी में अरबी, हर चीज अवेलेबल है। किसी में फिलोसफी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, आपको ये ध्यान देना होगा। सो बीए इंग्लिश अगर मान लो आपको चाहिए तो इतने सारे कॉलेज है, लेकिन मैं ओवरऑल टॉप कॉलेज का लिस्ट आपको दूंगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट जरूर जाके चेक करना चाहिए आपको, चेक करो आप जाकर के, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमने टेलीग्राम में भेज दिया है। वैसे DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। DU का CSAS पोर्टल आएगा, ऑन होगा जब आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद लगभग एक महीना ये प्रोसेस चलेगा। प्यारे बच्चों, आपको CUET पॉइंट चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जरा चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब किया है तो दिल से वेरी थैंक यू, नहीं किया है क्योंकि 80% बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आपको ऑनर्स वाइज अपना कॉलेज देख लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको फ्रेंच ऑनर्स चाहिए, लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है, एलिजिबिलिटी तो खैर आपने देख करके फॉर्म भरा था उसी समय जिस समय मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि भैया ये देख करके ही फॉर्म भरना। अगर आपको फ्रेंच लेना है तो डेडिकेटेड आप अपने अपने कॉलेजेस देख सकते हो, सीट कितनी है देख सकते हो, इसी के बेस पे प्रेफरेंस सीट हम जारी करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। सवाल ये है कि आपके लिए जो टॉप का कॉलेज है उसकी लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, या मैंने कैसे तैयार किया है। आपके ओवरऑल जिन जिन कॉलेज का लिस्ट हमने दिए हैं उनके पूरे कॉलेजों में सारे एवरेज, मान लो कि उनमें सारे सब्जेक्ट भी है, उनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, और चूंकि आप जानते हो DU का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है BHU के लाइक कि सारा एक कैंपस के अंदर है, ये अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। छोटे छोटे कॉलेज हैं जिनको मिला करके एक साथ एक बोर्ड का नाम दिया गया था, और काफी अच्छा, काफी प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जो आपको जानने चाहिए। सो आपको ये डिसाइड करना है कि BA इटालियन हो तो इसके लिए कौन सा है। बहुत सारे बच्चों को फिलोसफी लेना है, बहुत सारे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस लेना है, हिंदी पत्रकारिता भी है, BA हिस्ट्री भी है। आप देख लो आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, ये अल्फाबेटिकल है, ये टॉपर्स कॉलेज लिस्ट नहीं है। आ जाते हैं आपको टॉप के कॉलेज लिस्ट के ऊपर, फिर से हम लेकर के चलते हैं। तो DU के टॉप BA कॉलेज को हमने सर्च करना सिखा दिया है, आपके ऑनर्स वाइज आप जाकर के डॉक्यूमेंट से देख सकते हो। देखो, मेरा काम है आपको पूर्ण रूप से गाइड करना। 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हो अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलेज हमने दिया है हिंदू कॉलेज। देखो, आप कॉलेजों की जो रैंकिंग है उसको कुछ इस तरीके से रखो ताकि आपको खुद भी कंफर्टेबल हो वहां पढ़ाई करने में, खुद फैमिलियरिटी भी हो, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो कॉलेज एक्सपर्टीज के मामले में ठीक हो। मैंने ये जो कॉलेज दिए हैं बॉयज कुछ को एजुकेशन के लिए, कुछ सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो पहला कॉलेज का लिस्ट हमने दिया है हिंदू कॉलेज, जो कि सबसे फेमस है, सारे बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो। DU के फेस्ट वगैरह भी यहाँ बहुत फेमस है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वेमेन, ये गर्ल्स का मैं कहूँ सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे हाई डिमांडिंग कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वेमेन, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। हंसराज कॉलेज हिंदू कॉलेज के बाद मैं मतलब गर्ल्स को अपार्ट कर दूं तो हंसराज कॉलेज बहुत फेमस। फिर से आता है मिरांडा हाउस, जो कि गर्ल्स के लिए ही है। मिरांडा हाउस में की मतलब आप याद रखना, ये बहुत टॉप के कॉलेजों में आता है। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। मतलब मिरांडा हाउस DU में गर्ल्स के लिए या उनके कल्चर के लिए बहुत फेमस है, अलग अलग स्पेशलिटी है अपने अपने कॉलेजों की।
ठीक है, कहीं पे कंडोम की पूजा की जाती है, डीयू के अलग अलग कॉलेजों की फेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अपने लेवल से सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी आईसी डीयूडब्ल्यू, ठीक है। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जिससे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, शशि थरूर का भी आप अगर बैकग्राउंड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, नेक्स्ट है रामजस कॉलेज, उसके बाद आता है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जीसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, जीसस एंड मैरी कॉलेज। अभी आप देखो नंबरिंग वाइज आपको कौन सा आपका फेवरेट कॉलेज है जिसमें आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो। इसी तरीके से बीकॉम का आएगा, इसी तरीके से बीएससी का आएगा, शहीद भगत सिंह कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, आपको मालूम है मैत्रेयी गार्गी, ये जो वेद पुराण और उपनिषद लिखे गए थे उनमें, उस एरा में इनका काफी योगदान है स्क्रिप्चर्स के लिखने में। शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी, बहुत फेमस है कॉमर्स के लिए तो खैर बहुत ही फेमस है, एंड गार्गी कॉलेज, उसके बाद किरोरी मल कॉलेज। देखो मैंने आपको जो ये लिस्ट प्रोवाइड किया, ये टॉप के कॉलेजेस हैं जो लिस्ट आपको मैंने दी है। हो सकता है आप में से इसका बहुत सारा नॉर्थ कैंपस में हो, बहुत सारा आपने नाम नहीं सुना हो, हालांकि ये सब इतने कॉलेजेस हैं जिनका नाम आपने सुना ही हो। इसके अलावा डीयू में 91 कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस लेकर के, 91 कॉलेजेस हैं, ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि है डीयू के लिए। इतना बड़ा एक ऑरा, एक एनवायरमेंट कॉलेजेस की लिस्ट अवेलेबल है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पीछे टारगेट करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चों को कंफ्यूजन किन किन बातों पे आ रहा है। देखो सीयूईटी एग्जाम का, जैसा भी आपका एग्जाम गया हो, दो ऑप्शन है आपके पास, मैं बता रहा हूं आपको। हम वैसे कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जिस लिस्ट के सहारे मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, जिस लिस्ट में आपको कम नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन होगा, वैसे कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें अच्छे टॉप रैंक के कॉलेज आपको अच्छे नंबर पे मिलेंगे। अब सवाल यह है कि कुछ बच्चों का एग्जाम खराब हो गया, उसके लिए हमने बोला था एनटीए पे ट्वीट करो, बहुत लोगों ने किया है, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। कानपुर वाला सेंटर तो कैंसिल हो चुका है, एनटीए हरकत में है, देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको अगर 2024 में आपने ये सोचा है कि आपको ले लेना है एडमिशन, तो ये सारे कॉलेजेस हैं डीयू के। इसके अलावा बीएचयू के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम जारी करेंगे। बीएचयू से मैंने खुद बीए और एमए दोनों की पढ़ाई कंप्लीट की है। प्यारे बच्चों बीएचयू एक ऐसा कैंपस है जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैंपस है, मतलब ये सारी एक बाउंड्री वॉल के भीतर है, समझ रहे हो। बीएचयू में पढ़ने का मतलब है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो वो आउटडोर कैंपस में चला जाएगा, लेकिन अगर मेन कैंपस में पढ़ोगे उसमें भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल है। आप हमें ये बताओ कि क्या आपने डीयू और बीएचयू दोनों के लिए चूज किया था। मैंने कल एक लिस्ट वाली वीडियो बताई थी कि सबसे ज्यादा बच्चों की जो टॉप चॉइस है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। आपने शायद देखा होगा उन सब कॉलेजों को, उसमें टॉप में डीयू है, आपने देखा था। 26 लाख फॉर्म्स गए हैं किस चीज के, अलग अलग सब्जेक्ट के। ये मत समझना कि 26 लाख फॉर्म, क्योंकि फॉर्म ही टोटल 13 लाख गया है, लेकिन बच्चों ने जो चूज किया है पेपर वाइज वो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सी है, डीयू है। समझ में आ रहा है आपको, तो आपको ये क्लियर रहना। बीएचयू भी एक बाउंड्री वॉल के कैंपस है, सबसे बड़ी कैंपस है, आपको मालूम है रेजिडेंशियल कैंपस है। डीयू में हॉस्टल की फैसिलिटी की बहुत कमी है, ये आप भी जानते हो। डीयू दिल्ली में रहना एक्सपेंसिव है इन रिस्पेक्ट ऑफ बीएचयू। अगर बीएचयू में आप हॉस्टल मिल जाता है तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि मैं दोनों अपने कोर्स के दौरान हॉस्टल में ही रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको। सो आपको बने रहना है इस चैनल पे लास्ट तक, सारे इंफॉर्मेशन सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर बहुत ही कम नंबर है, मान लो 50 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं जनरल में हो आप, तो आपको हमारे हिसाब से 1 साल का ब्रेक ले लेना चाहिए, और ये पूरा साल अगर आप फ्रेशर हो, इसी साल आप पास आउट हुए। देखो जो भी बच्चा आपको दिख रहा है ना, 600 नंबर 700 नंबर 500 नंबर 400 नंबर वो लाया है, वो बच्चा इसलिए लाया है इतना नंबर क्योंकि उसने पूरे 1 साल अपनी पढ़ाई पे टाइम दिया है। हर एक एंगल, हर एक चैप्टर, हर एक चीज को उसने बड़ी ध्यान से पढ़ा है। आपको भी ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? यस, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपके लिए कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में आपने देखा है, हमने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर को हम दो तरीके से, एक तो सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं, सॉल्यूशन करवाने के साथ साथ हम क्या करेंगे उसको तोड़ेंगे भी, उसको उसका क्रक्स भी देंगे, उसका एनालिसिस भी देंगे। तो आप ये सब कर सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी काम डीयू की ये टॉप कॉलेज आप मिस मत करना, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है, आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला वीडियो बीएचयू बीए के बारे में आएगा, फिर बीएससी का मैम लेकर के आएंगी, कॉमर्स क्या आएगा, सारा वीडियो आपको एक एक करके मिलेगा। थैंक यू सो मच।